मैं क्लिफ्टन ब्लॉक 9 का रहायशी हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 60+ आवर्स से हमारे पास पावर नहीं है, उस वजह से यहाँ पे लोग जमा है। ब्लॉक 9, ब्लॉक 8, ब्लॉक 5, ब्लॉक 7, ब्लॉक 2, ये वो इलाके हैं जिनमें 50 घंटे से ज्यादा कम से कम कहीं पे भी लाइट नहीं है मुसलसल। उसके लिए सुबह से बहुत दफा की इलेक्ट्रिक के ऑफिस लोग जा चुके हैं, मेरे साथ मेरे मोहल्ले वाले ब्लॉक 8 वाले मुझे वहां मिले हैं। अनफॉर्चुनेटली एक गाड़ी भी नहीं है काम करने के लिए। ये इलेक्ट्रिक रीजन ये दे रहा है कि वहां पे पानी जमा है सब स्टेशन के पास, या पानी उतर गया है तो अंदर मॉइस्चर है। मगर ये सब स्टेशन जहां पर आप चले, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ना वहां पानी खड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से जहां से दोपहर से पानी नहीं है तो शायद वहां पर मॉइस्चर न होना चाहिए। अगर है भी, इनके पास डिवाइसेज है उसे ड्राई करने की, ब्लो ड्राई हो सकता है यार, पर कोई आ नहीं रहा, तो इस वजह से ये घरों से लोग निकल के बैठे हैं 70-70 घंटे से, जो परेशान है। रोड रोका हुआ उन्होंने, एम्बुलेंसेस को जाने दे रहे हैं, पुलिस वालों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा आ जाए और हमारा मसला हल कर दे। सुबह से कोई के इलेक्ट्रिक का नुमाइंदा आया है? सुबह से नहीं है, मैं कह रहा हूँ चौथा दिन है, चौथा ये आज समझे 3 दिन हो चुके ना, सॉरी चौथा नहीं तीसरा दिन है, 3 दिन में के इलेक्ट्रिक का के भी नहीं है हमारे पास। सही है, ये पोजिशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे बच्चे औरतें बूढ़े सब बैठे हुए हैं, और उनका कोई एक पर्पज नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई इश्तियाल पैदा किया जाए। हमारा सिर्फ एक छोटा सा कोई तवज्जो दे दे, हमें वी आर ट्राइंग टू सीक अटेंशन सो दैट आवर इश्यूज गेट सॉल्व। ठीक है।